दोस्तों आज इस वीडियो में हम टैडालाफिल के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनको मैंने टैडालाफिल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो कि अपनी मर्जी से टैडालाफिल खा रहे हैं केमिस्ट से लेके या किसी और डॉक्टर से लेके जो कि क्वालिफाइड इसको देने के लिए नहीं है, क्योंकि टैडालाफिल जो है बहुत सारे डोजेज में आती है, इसको लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं और जब आप एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से इसको लिखवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर आपके लिए एक रिजीम बना के देते हैं, यानी कि वो एक आपके लिए पूरा स्कीम बना के देते हैं कि इसको कब से शुरू करना है, किस डोज में शुरू करना है, कब कब इसको लेना है और इसको कब तक चलाना है और इसको फिर बंद कैसे करना है। अगर आप इसको इस ढंग से लेंगे तभी ये दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं। तो अगर मैंने आपको टैडालाफिल लिखी है तो आप जानें इसके बारे में थोड़ा सा, ताकि आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम आए तो आप इसको समझ सकें। सबसे पहले तो आपको समझना है कि टैडालाफिल जो है वो एक फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होती है, और फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर काम कैसे करती है कि ये एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जिसको हम फॉस्फोडाइस्टरेज 5 कहते हैं, इसको बंद कर देती है यानी इसके काम को ख़त्म कर देती है। और ये एंजाइम क्या काम करता है, बेसिकली ये नाइट्रिक ऑक्साइड को डिग्रेड करता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड या NO जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पिनिस के आर्टरीज को चौड़ा करता है, यानी कि इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, और ये तभी रिलीज़ होता है जब हमारे माइंड से एक फैंटेसी बन के एक सिग्नल हमारी आर्टरीज में जाके इसको रिलीज़ करता है। तो अगर इस नाइट्रिक ऑक्साइड के डिग्रेडेशन को यानी कि इसके डाइजेशन को हम ख़त्म कर दें, ये फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम को इनहिबिट करके, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है वो आर्टरीज के आसपास ज़्यादा होने से आर्टरीज ज़्यादा चौड़ी रहेंगी और फिर ज़्यादा ब्लड इसमें आएगा और फिर ज़्यादा अच्छा इरेक्शन हमारे पेशेंट को होता है। तो ये तो है तरीका जिससे टैडालाफिल या हम कह सकते हैं कोई भी फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर जो काम करता है। अब टैडालाफिल मैं क्यों आपको लिख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो आर्टरीज हैं ये चौड़ी हो जाएं, इरेक्शंस बेटर आएँ, पर इसके साथ साथ कुछ परहेज़ आपको करने होंगे या कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपको ये मेडिसिन बेस्ट काम कर सके। तो एक तो समझना ये होता है कि कोई भी हम दवाई अगर पेशेंट को देते हैं तो कोई और दवाइयाँ जो वो ले रहे होते हैं उनसे कभी कभी इनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको लेते हैं किसी अल्फा ब्लॉकर के साथ, यानी अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हैं और आप कोई दवाई लेते हैं टाइम सोल्यूशन के अलावा, तो इससे कभी कभी इसमें बीपी कम हो सकता है, है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप लो डोज में टैडालाफिल लें। वैसे तो हमने ध्यान रखा होगा कि हमने आपको उसको 5 mg की डोज में ही दिया होगा, बट थोड़ा सा उठते बैठते समय आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है अगर आप अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं तो, क्योंकि ये दवाई जो है ये भी प्रोस्टेट की एक मेडिसिन है टैडालाफिल, और ये भी फ्लो आपका इम्प्रूव कर सकती है। तो ये और अल्फा ब्लॉकर जब मिल जाते हैं तो काफ़ी बार ये बीपी को कम कर सकते हैं, यानी पोस्टरल हाइपोटेंशन जो कि हम कहते हैं कि एकदम से उठने से जो सर में डिजीनेस सी आती है या ब्लैकआउट होने के चांस होते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं तो। अगर मैंने आपको टैडालाफिल SOS बेसिस पे लिखी है, यानी मैंने कहा है कि इसको संबंध बनाने से जस्ट थोड़ा पहले खाएं, तो आप कम से कम 2 घंटे पहले इसको लें सर, इसलिए क्योंकि इसका जो एक्शन है वो वेरिएबल होता है। वैसे तो ये आधे घंटे में भी बहुत सारे पेशेंट्स में काम करती है, बट क्योंकि हम इसे SOS बेसिस पे ले रहे होंगे और हमें तब परफॉर्मेंस करनी होगी, तो ऐसा ना हो कि आपके लेट ऑनसेट की वजह से ये काम ना कर पाए। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए टैडालाफिल लेने वाले पेशेंट्स को, वो ये है कि कभी कभी इससे बॉडी एक हो सकता है, यानी कि सीवियर मायल्जिया होना, कमर में दर्द होना या टांगों में दर्द होना या थोड़ी सी बर्न जैसी फीलिंग, जलन जैसी होना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर टैडालाफिल है इसके साथ साथ ये फॉस्फोडाइस्टरेज 11 इनहिबिटर भी होती है, और फिर ये हमारे मसल्स के अंदर इस एंजाइम को भी इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इस तरह से आपको बॉडी एक या मसल एक हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा ये समझना ज़रूरी है टैडालाफिल के साथ कि जब भी आप इसको शुरू करते हैं इस दवाई को, तो कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स और हो सकते हैं, माइल्ड सी बर्निंग आपको हो सकती है, माइल्ड सा हेडेक हो सकता है, नोज़ जो है वो आपकी थोड़ी स्टफ़ी रह सकती है, ब्लॉक्ड रह सकती है, या हार्ट बर्न या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं दवाई को रेगुलर बेसिस पर लेने से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपको बॉडी एक भी हो रहा है टैडालाफिल से, तो अगर आप इसको थोड़े दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बंद करके फिर रिस्टार्ट करते हैं तो ये बॉडी एक भी आपका दोबारा से नहीं होता बहुत सारे पेशेंट्स में, तो ये आप बात ध्यान रख सकते हैं। अगर फिर भी कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप मेरे से प्रो क्लिनिक द्वारा, चार्ट द्वारा इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इसका हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको समझना होगा कि टैडालाफिल मैंने जो आपको लिखी है ये बेसिकली सिर्फ आपके इरेक्शन को बढ़ाने के लिए, ये टाइमिंग को इंक्रीज़ नहीं करती है। अगर आप मुझसे डिस्कस करना भूल गए टाइमिंग के बारे में तो आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम मुझसे डिस्कस करें, बट बहुत सारे दोस्त हमारे जो टैडालाफिल को टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ओवर द काउंटर ले लेते हैं और या फिर किसी लोकल केमिस्ट से पूछ के ले लेते हैं या दोस्तों से पूछ के ले लेते हैं, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये इस तरह से काम नहीं करती है, ये टाइमिंग पर इफ़ेक्ट नहीं करती है।
जब भी आप टडालाफिल को ऐसे ही खा लेते हैं दोस्तों की सलाह लेके या केमिस्ट से लेके, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि एक बार टडालाफिल को यूज़ करने के बाद मेंटली इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि उनको लगता है कि चलो मज़े मज़े में हमने एक बार थोड़ा सा बेटर सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए इसको खा के देख लिया, फिर माइंड इस पर सोचने लगता है कि अब नहीं खाएंगे तो कितना अच्छा होगा, क्या पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस तरह की हो जाती हैं, तो फिर उनको लगता है कि चलो इस बार फिर खा लेते हैं, फिर लगता है इस बार फिर खा लेते हैं, तो इस तरह से फिर जब वो नहीं लेते तो वो एक्चुअली एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चले जाते हैं। तो मैं बहुत सीवियरली इस बारे में वार्न करना चाहूँगा अपने सारे ऑडियंस को कि टडालाफिल जैसी टैबलेट्स या इससे मिलती जुलती और टैबलेट्स जो हैं इनको बिना इंडिकेशन के यूज़ ना करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, तो रिक्रिएशनली इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको यूज़ करने से कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है वो डिपेंडेंट हो सकता है। हम ये जानते नहीं कि कौन किस तरह से सोचने लगेगा इसको दवाई को लेने के बाद, कितना वो डिपेंडेंट साइकोलॉजिकली हो जाएगा इस दवाई पे, या पार्टनर एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाएंगी, या आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से क्या हो जाएंगी। तो इस ट्रैप में ना फंसें। ये ऑलमोस्ट स्मोकिंग की तरह है कि आपने एक दो बार करके देखा और फिर आप उसके आदी हो जाते हैं, ज़िंदगी भर लोग इसको छोड़ नहीं पाते। इसी तरह से टडालाफिल को भी आप ज़बरदस्ती ना लें, जस्ट इसलिए कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो जाएगी। कोशिश करें आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में हमने और वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे आप नेचुरली इरेक्शंस को बेटर कर सकते हैं, या नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आते हैं या जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनके ज़रिए हम इनको बेटर कर सकते हैं, उन तरह के सोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो टडालाफिल की डोजेज है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, यानी टडालाफिल जो है वो 2.5 mg की गोली से लेके 20 mg तक की गोली के साइजेस में आती है। अब कौन सा एग्जैक्ट डोज लेना है, बहुत सारे लोग जब केमिस्ट के जाते हैं तो वो 20 mg देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक पेशेंट जो आया है उसको बेस्ट इफेक्ट मिले। बट हमें समझना होगा कि अगर हम 20 mg की डोज के आदि पड़ जाते हैं तो हर बार साइकोलॉजिकली 20 mg का ही मन करेगा। आपको लगेगा कि इस बार 10 खा रहा हूँ, पता नहीं इरेक्शन होगा नहीं होगा, या 5 खा रहा हूँ इरेक्शन होगा या नहीं होगा। और 20 mg बहुत ज़्यादा डोज होती है। टिपिकली हम अपने पेशेंट्स को जब पूरी बात करके दवाई स्टार्ट करते हैं या तो 5 या 10 mg की डोज से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि देखें कि आपके जो डोजेज है वो बन क्या रही है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कोई एल्डरली पेशेंट होता है तो हम 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कोई दवाई ले रहे हैं, नाइट्रेट्स ले रहे हैं, तो हम टडालाफिल की जगह कोई और दवाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी किडनी कैसा काम करती है, आपके लिवर कैसा काम करता है, कोई इनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही आपको। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए और क्या क्या दवाइयाँ आप खा रहे हैं उनको समझते हुए, और फिर इस डोज को दिया जाता है। इसी तरह से कभी कभी हम डोजेज को भी SOS बेसिस पे देते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे देते हैं। इसके लिए भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट का मैरिड स्टेटस क्या है, कितना सेक्सुअली पेशेंट एक्टिव है, और जो कॉन्टिन्यूस डोजेज है उसको हम रिहैबिलिटेटिव डोज के फॉर्म में देते हैं। यानी कि पीनस की ब्लड फ्लो को रेगुलरली बढ़ाकर, ब्लड द्वारा अंदर क्लीननेस करा के यानी सफाई करा के, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा के, हम पीनस को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल एंड्रोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूव्ड वे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में रिजल्ट देने में सहायक हो रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि ये गोली ऐसे ही रैंडमली लेने से, खाने से, किसी भी डोज में उसके आदि बनने से कई पेशेंट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रोसेस में चले जाते हैं। फिर बिना गोली के उनको लगता है कि उनसे होगा नहीं इरेक्शन और साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है या छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप टडालाफिल ले रहे हैं, आप मेरे पेशेंट हैं, तो इन सब बातों के बारे में मुझे बताएं कि आपको कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट क्या है, और साथ साथ आप कोई दवाई और भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, इनके साथ तो हम टडालाफिल बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो अगेन ये सब दवाइयों को, टडालाफिल को हम अवॉइड करते हैं। कोई और तरह की दवाई, फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर हम दे सकते हैं, और ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी कंडीशन हैं, जैसे कि अगर आप कोई अल्फा ब्लॉकर ले रहे हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, तो इन सब के साथ हमें थोड़ा एहतियात बरतना होता है। इसलिए इसको ज़रूर पूछ के ही लें, अदरवाइज़ साइड इफ़ेक्ट्स से बहुत प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती है। इनफैक्ट अगर नाइट्रेट्स लेते हैं तो जान भी जा सकती है, उसमें हम टडालाफिल लेने को बिल्कुल मना करते हैं। दोस्तों इसके लास्ट पॉइंट जो मैं समझाना चाहूँगा कि टडालाफिल एक अकेली दवाई नहीं है इरेक्शंस के लिए, बहुत सारी तरह की दवाइयाँ होती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं यानी जो हार्मलेस प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। बहुत बार मैं ये लिखता हूँ, अपना आर्गमोर सैशेज और बाकी काफ़ी सारी दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ज़रिए भी हम इरेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज हैं जिनके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के बहुत सारे बदलाव हैं जिनको ला के इरेक्शंस को बड़ा किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। और फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स में भी कम से कम 6-7 तरह के फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर्स हैं, जिनमें से 4-5 तो इंडिया में भी अवेलेबल हैं। तो इन सब का यूज़ करके हम
थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि हमें कस्टमाइज थेरेपी मिले रादर देन कि हम रैंडमली कोई दवाई अपनी मर्जी से लेना शुरू करें और फिर किसी नुकसान में जा बैठें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ट्राइलाफिल पे जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है इसके यूजेज के बारे में, कब इसको यूज़ नहीं करना है, इसके इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, इसको कैसे और डोजेज में ले सकते हैं और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आशा करता हूं कि इनसे आपको कुछ जानकारी मिलेगी और ये आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लड़ने में सहायता करेगी।